पुणे में एक बड़े समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दाभोलकर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलाते थे। दाभोलकर की हत्या पुणे के ओंकारेश्वर मंदिर के पास हुई। जब वो सुबह की सैर पर निकले थे तो बाइक सवार हत्यारों ने उनके सिर में 4 गोली मारी, जिसके बाद उन्हें पुणे के ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। नरेंद्र दाभोलकर अंधविश्वास के खिलाफ काम करते थे। नरेंद्र दाभोलकर साथ ही एक साप्ताहिक पत्रिका साधना के संपादक भी थे। 7:30 के टाइम पे मेरे को फोन आ गया कि ऐसा ऐसा ओंकारेश्वर मंदिर के बाजू में जो ब्रिज है उसके ऊपर मर्डर हो गया है और हल्लेखोर ने उनके ऊपर रिवॉल्वर से गोलियां फायर की है। तभी हमारे नाइट के ऑफिसर थी, लेडी ऑफिसर साळुंखे मैडम, वो उधर आ गई। तब से हमारे बड़े ऑफिसर जो है DCP रांदड़े साहब है, दैठनकर साहब है, सब इधर बड़े ऑफिसर इधर आ गए, सबने देख लिया। बाद में उनकी बॉडी शिफ्ट कर दी है। ये किस तरीके से ये जो पिस्टल इस्तेमाल की गई वो किस तरीके की थी, और जो जिन्होंने हमला किया वो हमलावर किस दिशा से भागे हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिले कि उनकी उम्र कितनी है? हल्लेखोर की उम्र करीबन 25-26 रहेगी, ऐसा जिन्होंने आई विटनेस है उन्होंने बोल दिया है। और एक स्प्लेंडर गाड़ी पे वो बैठ के भाग गए हैं रविवार पेट की दिशा में।